आ गए। ओके सो हेलो एवरीवन, मैं हूं रेहान, वेलकम बैक टू द चैनल रेहान का व्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं गुरेगांव। सो चलो चलते हैं, देखते क्या है और कैसा है। सो अभी मैं बिल्डिंग से उतर चुका हूं एंड अभी हम जाएंगे एंड देखते हैं कैसा है और कैसा नहीं। सो चलो चलते हैं। ओके सो गाइस, आपको इस वीडियो में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फिल्म सिटी के बारे में एंड ये रहेगा कुछ 2 आवर्स का गाइडेड टूर एंड इसका जो टाइमिंग रहेगा वो मैं अभी आपको इधर शो कर रहा हूँ। तो इस टाइम के बीच में ही जाना, यही टूर का टाइमिंग है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। एंड इसे ज़रा पॉज करके पढ़ लीजिए, आपको फुल डिटेल मिल जाएगी कि कैसा ये घुमाएंगे एंड ये सब वगैरह वगैरह देख लो। यहाँ पर शूटिंग फिलहाल नहीं चल रही है दोस्तों, गंगू बाई यानी आलिया भट्ट का सीन खत्म हो गया है, केवल 5 दिन का काम रह गया अजय देवगन का। वो जैसे ही अपनी फिल्म मेरे फिनिश करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 दिन देकर के इस फिल्म को यहाँ पर शूटिंग फिनिश करेंगे, फिर इस सेट को हटा दिया जाएगा। दोस्तों ये लोकेशन, इसका नाम है जोश मैदान, शाहरुख खान की मूवी जोश में यहाँ पर गोवा बनाया गया था। दोस्तों ये लोकेशन जो है ना, वो संजय लीला भंसाली की लकीस्ट लोकेशन है। वो जो भी फिल्में यहाँ बनाते हैं वो फिल्म केवल 5 दिन के अंदर 100 करोड़ कमाती है फिल्म। और इसके साथ वो अदालत है जज साहब, जहाँ तारीख पे तारीख लगती है लेकिन कभी इंसाफ नहीं मिलता है। मिलती है तो तारीख मिल जाती है। नायक खलनायक एतराज एतबार उस्तम पिंग, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। सनी देओल की सभी फिल्में, घातक, घायल, दाम लुटेरा, डकैत, जिद्दी, सलाखे, जीर, इंडियन, यमला पगला दीवाना, फर्ज, इसके अंदर कम्प्लीट कोर्टरूम ड्रामा है जहाँ पर। ओके सो गाइस, यही है वो जगह जहाँ हमें मिलती है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और हमारे सनी पाजी का एक्शन भरा सीन। सो चलो अभी इसके अंदर जाते हैं एंड मुझे भी चाहिए तारीख की, मेरे 10,000 सब्सक्राइबर कब हो गए, कौन सी तारीख को हो गए। सो जल्दी से कर दो, आई थिंक बहुत जल्दी हो जाएगी, सो कर दो यार। ठीक गाइस, सो आप लोग देख सकते हो ये हमारा फिल्म सिटी के कोर्ट का अंदर का व्यू एंड आई थिंक ये पूरा लकड़ी का बना है बिकॉज ये एक सेट ही है ना। एंड आप लोग देख सकते हो इधर बहुत ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे दामिनी हो गया, जॉनी LLB हो गया, जॉनी LLB 2 हो गया एंड ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ना, ये AC है बिकॉज AC बहुत नेसेसरी रहता है, नहीं तो एक्टर एंड एक्ट्रेस का मेकअप पूरा निकल जाता है गर्मी से। एंड सब लोग इधर फोटो खींच रहे हैं, मैं भी आपको पूरा दिखाने के बाद खींचूंगा एंड हो सके तो मैं आपको दिखा भी दूंगा इधर। सो आप लोग देख लो ये पूरा ऐसा ही एक सेट ही है ये पूरा। एंड इधर बहुत दूर दूर से लोग आते रहते हैं, जैसे श्रीनगर, दिल्ली है वगैरह वगैरह। एंड ये आपको जो ऊपर दिख रहा है ना, हाँ ये ऊपर, तो इधर क्या होता है ना, कैमरा शूट के लिए ये लगता है, जैसे ऊपर का कोई सीन हो गया, समझ रहे हो ना। सो सत्यम है जयते एंड एक तरफ रहता है मुजरिम जो इस पे केस हुआ रहता है एंड एक तरफ रहता है विटनेस, गवाह। सो आप लोग देख लो बिग बॉस, ये ना सलमान खान फ्राइडे को आते हैं यहाँ पर और फिर संडे को उनका वो दिखाते हैं, इनके शूट रहता है सैटरडे को भी करते हैं, वो फ्राइडे को आते हैं वैसे रेगुलर एवरी फ्राइडे। अभी कुछ दिनों में इसका फिनाले आने जाते हैं। सेट है फिल्म ओम शांति ओम का, धुम तन 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 धुम तन तिक धा तिक धा धान कैसे, उसी सर को दोस्तों थोड़ा वो चेंज करके इस्तेमाल करते रहते हैं। चलिए ऊपर, ये द्वारकाधीश द्वारिका बनाई है, अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो उधर पे सुदामा गरीब आ गया है, ये रास्ता जाता है वैष्णो देवी, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। दोस्तों जो गाना गाया था नरेंद्र चंचल जी ने, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है, उनका पिछले महीने देहांत हो गया लास्ट मंथ था, तो ज्यादातर जागरण वगैरह करते थे, बड़े फेमस होते दोस्तों जागरण वाले, बहुत सारे गाने गाए उन्होंने। बॉलीवुड फिल्म के अंदर एक बड़ा अच्छा गाना गाया था, मस्जिद मंदिर था गाना। इस महीने दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी फिल्म है, अभी कुछ दिन पहले द्रौपदी फिल्म थी, दीपिका पादुकोण द्रौपदी बनी है, उसका सेट यहाँ फिनिश हुआ। दोस्तों द्रौपदी ने ना एक बार एक फल को तोड़ लिया, उस फल को ना तोड़ करके खाने वाले थे कोई ऋषि मुनि, 150 साल का फल तोड़ रहे थे, जैसे खाने लगी वैसे श्री कृष्ण भगवान आए, बोला कि मत खाओ इस फल, फल को वहीं पर लगा दो। पर लगेगा कैसे, बोला तुम एक काम करो, तुम 6 लोग हो, 5 पांडव, 6 द्रौपदी, अपने जीवन का एक सच बताओ तो फल अपने ऊपर लग जाएगा। रजिस्टर की बारी आती है, रजिस्टर बोलता है कि द्रौपदी के साथ जो भी परिवर्तन आ रहा है ना वो हमारी वजह से आ रहा है, ऐसे करके सबने बोला। लास्ट में द्रौपदी की बारी है, द्रौपदी ने बोला कि मैं अपने पतियों से बहुत प्यार करती हूँ, वो फल अपनी जगह पे यहाँ ऊपर गया नहीं, पर सच बोलो, बोलती मैं अपने पतियों में सबसे ज्यादा अर्जुन को प्यार करती हूँ, तब भी फल ऊपर नहीं गया, बोला सच बोलो, तो उसने बोला कि मैं अपने पतियों के अलावा कर्ण से प्यार करती हूँ, तो फल ऊपर लग गया। तो इसके बारे में दोस्तों इलिजन ऑफ पैलेस करके एक किताब है, उस पर आधारित है ये फिल्म द्रौपदी।
इसमें कृष्ण बने हैं आमिर खान और सोनू सूद दोस्तों बने हैं कर्ण। पता है क्यों? क्योंकि इस बार उन्होंने कोरोना में दान पुण्य किया ना, उनको कर्ण की भूमिका दे दी। छोटा कश्मीर यहाँ से दिखेगा, छोटा कश्मीर अब भैया आप कहाँ के रहने वाले हो? पवई दिखेगा यहाँ से, दिखेगा आइए। चलो भाई ओहो हो गया गाइस, सो आप लोग देख सकते हो एंड वो आई थिंक वो जो एरिया है ना वो पवई है, मेरा होम टाउन। सो आप लोग देख सकते हो ये कितना प्यारा लग रहा है। फॉगी फॉगी हो गया था भाई, ये जो पवई की हाई राइज बिल्डिंग है यहाँ पर, ये ऐसा लगेगा जैसे आप थाईलैंड बैंकॉक न्यूयॉर्क का व्यू देख रहे हो। यहाँ पर बालकनी बनाएंगे, पीछे का व्यू लगेगा जैसे थाईलैंड बैंकॉक न्यूयॉर्क में कहीं पर है। जिस जगह पे आप लोग खड़े हैं आपने मूवी देखी है नो एंट्री, भाई साहब सलमान के पाँव में चुभ जाते हैं फरीद खान कपूर, तभी सांप आता है मन्ने डोले करने के लिए, राइट दोस्तों। फिल्म नो एंट्री में जो घर बना था घर करके गिरता है, बुराई चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो सन सच्चाई से छोटी होती है। वैसे कई बार यहाँ पर ना कश्मीर की लेक का भी सीन दिखाते हैं, जैसे भी आप वहाँ लेक में बोट देखी थी ना, बोट बना रखी थी वो यहीं पर ही बनी थी, ऐसे बोट बना के वहाँ पर करते हैं। जैसे एक कसाब के ऊपर फिल्म आई थी, कसाब जब इंडिया आया था ना तो वो अरेबियन सी से ही आया था, तो वैसा सीन दिया गया था यहाँ पर, ऐसा कुछ बनाया गया था दोस्तों। ये पूरा हमारा एरिया नेशनल पार्क का एरिया है। कई बार ना यहाँ पर इस जगह पर लेपर्ड टाइगर भी होते हैं, 4-5-8-10 होते हैं, वो ग्रुप में होते हैं ना, तो ये कैमरे लगे हुए हमको बता देते हैं, अगर वो आते तो फिर हम लोग ऊपर नहीं आते, ऐसा होता है। ऐसे अभी उन्होंने कभी हम पे अटैक नहीं किया, लेकिन हो सकता है हमसे शुरुआत कर ले वो, इसे अवॉइड करते हैं हम लोग यहाँ आना, खासकर बरसातों के समय और रात के समय अक्सर नहीं आते हम लोग यहाँ पर करते हैं दोस्तों। वो पवई लेक में ना क्रोकोडाइल्स भी हैं, ऐसा बोलते हैं क्रोकोडाइल्स हैं वहाँ पर। आइए चले दोस्तों। यहाँ पर केसरी फिल्म अगर आपने देखी होगी, केसरी का जो एंड वाला सेट था ना, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, वो तो बड़ा सा सेट जो बनाया था यहाँ पर बनाया था। केसरी का मतलब होता है शेर, लायन, पंजाब केसरी, लायन ऑफ पंजाब। केसर एक कलर भी होता है मगर केसरी का मतलब सीन, शेर, लायन भी होता है, राइट। तो उसका सेट यहाँ पर बनाया था दोस्तों। बनाने में 4-5 महीने लगते हैं, इतना आसान नहीं बनाना, तोड़ने में भी 1 घंटा लग गया, लेकिन तेज तोड़ी रही इसको, आपको सफाई नहीं मिली। तो हल्का सा यहाँ रुकना, राइट हैंड साइड में एको पॉइंट है। एको पॉइंट का मतलब क्या होता है, हीरो कोने में खड़े क्यों बोलता है प्रिया 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 प्रिया, ऐसी आवाज टीवी में आती है यहाँ नहीं आती। ये दोस्तों यहाँ पर गाने बने हैं, साजन मेरा बेबी आते 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 तेरी ओ मेरा बाबू छे ताल से ताल मिला। सेंटर का पेड़ बड़ा कमाल का है, जब करवा चौथ का त्योहार आता है तो सुहागन औरत अपने पति की लंबी आई के गोल 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 चक्कर काट के गिर जाती है, तब पति देव पानी पिलाते हैं। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, लेकिन ऐसा शादी की 1 साल तक ही करती है। चलो एक ऐसे मंदिर आए हैं जहाँ भगवान भी छुट्टी के लिए आते हैं, कभी गणपति बप्पा मोरिया, कभी शिव शंकर महादेव, कभी श्री राम के साथ हनुमान आते हैं। आज यहाँ पर पवन देवता है। आइए हम लोग यहाँ पर उतरते हैं, मैं आपको अच्छी लोकेशन दिखाता हूँ। यहाँ पर कल या परसों शूट होकर तैयारी कर रहे हैं अभी। आइए और
आ चुके हैं शिमला में। और भैया शिमला में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप अकेले आए हो? नहीं, तीन जने आए। अच्छा, आप तीन जने आए। ओके, सो हम लोग आ चुके हैं अभी शिमला में। एंड अंकल, आप कहाँ से आए हो? राजस्थान से। आप राजस्थान से आए हो? हाँ। तो कैसा लग रहा है आपको शिमला? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये शिमला कहाँ पड़ा आपको? मुंबई में? मुंबई फिल्म सिटी। अच्छा, फिल्म सिटी वाला। तो ये गाइस है फिल्म सिटी वाला शिमला। एंड ये हमारे टूरिस्ट अंकल जो जिनकी कम्युनिकेशन स्किल माशाल्लाह इतनी सही है ना, आई लविंग इट। एंड अंकल, आप कितने साल से ये कर रहे हो टूरिस्ट? 5 ईयर्स से। 5 ईयर्स है, माशाल्लाह आप बहुत अच्छा बोलते हो यार अंकल, मैं आपका बिग फैन हूँ। एंड अंकल हमें बहुत अच्छी टूरिस्ट दे रहे, बहुत अच्छे से गाइड कर रहे, हर एक चीज प्रॉपरली बता रहे। एंड अभी हम कहाँ आ चुके हैं अंकल? बागबान। बागबान, तो ये बागबान। कम प्लीज कम क्लोज, एक बार सुन लीजिए। तो जिस जगह पे हम लोग आए हैं ना, इस लोकेशन का नाम है ऊटी। ये तमिलनाडु वाला ऊटी नहीं है, ये हमारी फिल्म सिटी का ऊटी है। शूटिंग ऊटी में भी होती है, मगर कोई सीन ऊटी के रह जाए ना, उसे यहाँ पर करते हैं। राइट दोस्तों, इस जगह को फेमस किया है फिल्म बागबान ने। बागबान देखी है? होली खेले रघुवीर अवध में बच्चन साहब का घर दिखाया गया है। फिल्म सिम्बा देखी? सिम्बा जे मला माहिती ते सांगा भाऊ, टेल मी व्हाट आई डोंट नो। उस फिल्म में यहाँ पर पुलिस स्टेशन दिखाया गया है। सिंघम में यहाँ पर स्कूल दिखाया गया है। फिल्म गोलमाल लगे नी चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने करते हैं। राइट, जैसे मूवी आपने देखी थी जिसका नाम था कुछ कुछ होता है, लड़की बड़ी अनजानी है, उस गाने में भी देखा है दोस्तों। वो जो आप देख रहे हो ये लवर्स पॉइंट, बादशाह हो मेरे रश के कमल घूंघट की आड़ से, बहुत से गानों लवर्स पॉइंट देखा है। ये ट्री माधुरी की बहुत सारी फिल्मों में है। किसी दिन बनूंगी कोयल सी तेरी बोली दोस्तों। वो मंच जो आप देख रहे हो, गांधी गदर फैंटम खेलेंगे हम जी जान से, बहुत से फिल्म नेता लोग भाषण देते हैं। अभी एक फिल्म आई थी आपको याद है मोदी जी के ऊपर, जिसमें विवेक ओबरॉय बने थे मोदी जी, नरेंद्र मोदी। मित्रों, भाइयों और बहनों, मैया कह रहा हूँ, जब तक मेरे भारत का एक भी बच्चा भूखा है तो मैं भूखा हूँ, मैं खाना नहीं खा सकता सोनिया जी। वंदे मातरम, सूरज तो अभी हुआ है। इस तरह की सीन्स वगैरह होते हैं। आपको घर देखना है अंदर से कैसा है? कहीं से जा सकते हैं, सरकारी घर है, बस वॉशरूम में देखने वाला दिखेगा। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से। ओके सो गाइस, चलो हम अभी देखते हैं इसके अंदर कैसा है, ये कितना सुंदर दिखता होगा। बाहर से इतना अच्छा है तो अंदर से कितना अच्छा होगा। सर चलो अब इसका दरवाजा खोल के हम देखते हैं कैसा है। अरे ये क्या, घर का चला गया। सो गाइस, ऐसा ही होता है फिल्म सिटी में, ये फिल्मी दुनिया ऐसी है, दिखता कुछ और है और बिकता कुछ और है। सो आप लोग देख सकते हो। एंड ये ना बाहर से लाया है ट्री, ये आई थिंक कश्मीर से लाया है। हाँ, कुछ कश्मीर से, ये स्पाइन ट्री ऐसा कुछ नाम था इसका। सो आप लोग देख सकते हो, मतलब देखा कैसा झलावा है, सब झलावा है इधर। ओके सो गाइस, आई नो आप लोग भी हैरान हो गए होगे, शॉक हो गए होगे, मतलब ऐसा मुंबई में ऊटी ला लिया, शिमला ला लिया है, कश्मीर का ट्री ला लिया है, एंड फिर ये जो घर था उसके अंदर भी ऐसा था, मतलब दिख रहा कुछ और है और बिक रहा कुछ और है। सो गाइस, पर फिल्मी दुनिया में ऐसा ही होता है, ये लाइन जितनी अच्छी दिखती है उतनी अच्छी है नहीं, इसमें बहुत स्ट्रगल्स रहता है एंड पेशेंस, खास करके इस लाइन में पेशेंस बहुत ज़्यादा लगते हैं। एंड बाय द वे, एक और एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग जा रहे हो तो 10 AM में जाना, 12 PM में जाना, 2:30 PM में जाना, पर 4:30 में मत जाना, बिकॉज वो बैच में मैं गया था एंड मुझे ना ही लाइव शूटिंग देखने मिला, मुझे ना ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सेट अच्छे से देखने मिला, मतलब नहीं कुछ भी नहीं मिला उतना मेरे को। पर दोस्तों, वेल ये अशोक वाटिका रामायण वाली नहीं है, रामायण वाली अशोक वाटिका में तो रावण सीता माँ को कैद करते हैं ना, और हनुमान जी आके वृक्षों को तोड़ते हैं। दोस्तों यहाँ नहीं तोड़ पाएंगे, रियल वृक्ष है, हनुमान जी तो एक्टर ही है ना दोस्तों, इसीलिए वो स्टूडियो में करते हैं। अब आप देखो इन सभी पेड़ों के बीच में ना, आपको ये पेड़ कुछ डिफरेंट दिख रहा है, जानते हैं क्यों? क्योंकि ये पेड़ यहाँ का नहीं है, तूफान में बरसात में कोई पेड़ टूट गया था ना, उसको यहाँ पर गाड़ा गया है दोस्तों। यहाँ पर ना जैसे कुछ डरावनी फिल्मों में ना कुछ हड्डियां वड्डियां टांग टूंग करके नीचे तांत्रिक को बिठा करके ओम ऐं ह्रीं क्लीं चमुंडा विच्छा होते हैं। आइए
तो बहुत सारे गानों में आपने देखा होगा इस लोकेशन को। एंड अभी हम लोग गए थे मेडे की शूटिंग देखने। सो उधर जो प्लेन रहता है क्रैश हुआ उसका पूरा तैयार कर रहे थे। एंड फिर एक और एक शूटिंग थी पर उधर कैमरा अलाउड नहीं था शूट करना, बिकॉज वो लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे वो लीक नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ बट मैं कर भी नहीं सकता। एंड सो देखे हम लोग ने। एंड इस लाइन में आर्किटेक्चर साइंस भी बहुत ज़्यादा लगता है, ये मैंने चीज़ नोटिस किया उधर। कोई बोलते हैं 33 कोटि का मतलब 33 करोड़, वो सभी देवी देवता हमारे मंदिर में आते हैं। जैसे देवी देवता वैसा मंदिर। हनुमान जी का दिखाना तो लाल कर देंगे, महादेव जी का महाकालेश्वर मंदिर दिखाना हो तो पूरा मंदिर काला कर देंगे, बाहर शमशान भी बना देंगे, लाश जलती हुई दिखाई देगी, यहाँ पर मट्टी से भर देंगे और यहाँ पर चटाटवी कल जल प्रवाह पावितस्तले गले विलंबिता भुजंग तुंग मल्लिकाम तुस एक गया वन इस तरह की सीन भी होंगी जगह पे। दोस्तों आपने मूवी देखी हुई कुछ कुछ होता है, तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना गाना यहाँ बना है। स्वर्ग में राजकुमार बैठे होते हैं, वो खाना बांट रहा होता है, गोविंदा सीन देखा है। दिल मूवी के अंदर अनुपम के नकलों देख करके भाग जाते हैं। दोस्तों बहुत से फिल्मों में देखा आपने, अभी कुछ नई फिल्मों की बात करूंगी। आपने जबरिया जोड़ी, दबंग, काशी, मणिकर्णिका, पद्मावत सब में मंदिर है, हरा पीला लाल नीला करते रहते हैं। अब ये मंदिर तो मंदिर है ही, यही मस्जिद और यही दरगाह है। दरगाह दिखाना तो जहाँ भगवान जी की मूर्ति रखते हैं ना वहाँ दरगाह बना दो। गुलाम मुस्तफ़ा, आतिश, रईस, वंस अपॉन अ टाइम मुंबई, ये दरगाह में तो खिड़कियाँ होती हैं ना, चार खिड़कियाँ ऐसे यहाँ भी बनी हुई हैं, जैसे खिड़की नहीं ऐसे हमारी फिल्म सिटी में बाई तरफ ये जो देख रहे हो यही है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मगर आज बंद है ये। दोस्तों ये गोकुलधाम सोसाइटी जो कुछ देख रहे हो ये हर दिन नहीं खुलता है, आज ये बंद है, हर दिन शूटिंग नहीं होती है। कल चल रही थी इसकी दोस्तों, तो जेठालाल वगैरह शाम को आए थे ना, तो हल्का सा थोड़ा पिछाड़े भी देखेंगे तो यहाँ करते, थोड़ा इसके पास से गुजरते हैं, मगर अंदर नहीं जा सकते हम इसके, कुछ कोरोना कैसे जा सकते बताएंगे अभी, तो हल्का बढ़ाओ ना आगे धीरे धीरे। बहुत बड़ी फील्ड है यहाँ, काम की कमी नहीं है, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। टूटने लगे हौसले तो बस याद रखना कि बिना मेहनत के कहीं कभी कोई तख्तो ताज नहीं मिलते हैं, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जो समय इंडस्ट्री में काम करने वाले एक्टर राजेश खन्ना, देवानंद, कितने सारे खन्ना, कांत कुमार को हम नहीं देखा, लेकिन जब उनकी फिल्में आती हैं गाने बजते हैं, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आंख बंद करके भी सुनोगे तो आपको राजेश खन्ना दिखाई देंगे। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, ये सोचो ये संसार तुम्हें कैसे याद रखेगा, कुछ ऐसा कर जाओ कि जब तक ये संसार रहेगा हमारा काम हमारा नाम बनकर रहेगा। अगर आप यहाँ काम करते हैं तो आप हमेशा के लिए हमारे इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाते हैं। दोस्तों उतरने से पहले प्लीज अपना मोबाइल, पर्स, कैमरा, कोई कीमती सामान तो उसी छठे की नहीं जा रहे, एक बारी नहीं 10 बारी चेक करिए, ताहे करिए। अच्छा तो हम चलते हैं। थैंक यू।